हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हैंडक्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा ये दिवाली स्पेशल तोरण। और ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाना बताया है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें मैंने ये श्री गणेशाय नमः लिखा है, यहाँ गणेश जी लगाया है हमने। ये दरवाजे पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है दिवाली में, तो आप ज़रूर बनाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी डिजाइंस आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तोरण बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम तोरण की पट्टी बना लेते हैं। तोरण की पट्टी बनाने के लिए मैंने येलो कलर का ऊन लिया हुआ है और ऊन मैं 2-ply यूज़ कर रही हूँ इस तोरण को बनाने के लिए। आप 3-ply 4-ply ऊन से भी ये तोरण बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पट्टी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक येलो कलर के ऊन में नॉट बना लेंगे। एक नॉट बनाने के बाद इसमें हम टोटल 30 चैन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम टोटल 30 चैन बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने 30 चैन बना के रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ 1 चैन लेंगे और इधर से 1, 2, 3 चैन स्किप करेंगे और चौथे वाले चैन में हम इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चैन लेना है हमें, फिर 1 चैन स्किप करना है और दूसरे वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है। एक एक चैन स्किप करते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बहुत ही इजी तोरण पट्टी है ये। तो पूरे चैन के ऊपर हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए, ये हमने पूरे चैन के ऊपर ये डबल क्रोशिया बना लिया। एक एक चैन लेते हुए हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। और 1 चैन और ले लेंगे तो टोटल 4 चैन लेंगे यहाँ पे और इसे पलट लेंगे। और पलटने के बाद ये जो गैप दिख रहा है, ये सारे गैप में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक एक चैन लेके इस तरीके से 1 चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले वाले फंदे में इस तरीके से, फिर 1 चैन लेके। और इसी तरीके से हमें ये पूरी तोरण पट्टी तैयार कर लेनी है। यही पैटर्न हम अप्लाई करते जाएंगे और आगे जितना लंबा हमें तोरण पट्टी चाहिए अपने डोर के अकॉर्डिंग हम बना के रेडी कर लेंगे इस तरीके से। फिर आगे भी हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो चलिए तोरण पट्टी हम बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तोरण पट्टी इसी तरीके से ये बुन के रेडी कर लिया। हमें जितना लंबा चाहिए हमने ये बना लिया है अपने डोर के हिसाब से। अब हम आगे की डिजाइन बना लेते हैं। अब हमें इसमें लगाने के लिए कुछ फ्लावर बनाने हैं, तो चलिए फ्लावर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर का ऊन लिया हुआ है। ये भी हमारा 2-ply है। हम इसमें एक नॉट बनाएंगे इस तरीके से और नॉट बना के इसमें हम 6 चैन बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच लगा के फर्स्ट वाले चैन में एक रिंग तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी रिंग बन गई एक छोटी सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 चैन बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 चैन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी रिंग में ऐसे डाल के और ये धागे को हम 3 बार निकालेंगे, 1, 2, 3। ये 3 बार धागा निकाला। अब हम इसको एक साथ इस तरीके से बुन लेंगे, ऐसे बंद किया। अब यहाँ हमने बंद कर लिया।
तो ये हमारा ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे हम पांच चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो रिंग है इस रिंग में स्लिप स्टिच लगा लेंगे ऐसे। इस रिंग में हम एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। अब यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बना लिए इसी रिंग के अंदर। अब फिर यहाँ से हम पांच चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और पांच चैन लेने के बाद फिर हम तीन बार धागा निकालेंगे इसमें से ऐसे, 1 2 3 4, ये तीन बार धागा हमने निकाल लिया। अब तीन बार धागा निकालने के बाद हम इसे इस तरीके से बंद कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम पांच चैन बुनेंगे। ये पांच चैन हो गया। अब यहाँ पे ये जो रिंग है इस रिंग में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दो हमने बना लिया इस तरीके से। इसी तरीके से इस रिंग के अंदर हमें टोटल पांच बनाना है पत्तियाँ, तो ये हमारा फ्लावर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। इस तरीके से पांच चैन लेना है, तीन बार धागे को निकालना है, 1 2 3, फिर इसे हमें बंद कर लेना है, ये चैन को भी इसी के साथ, ये बंद हो गया। अब यहाँ पे फिर पांच चैन लेना है, और इस रिंग के अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमने तीन पत्तियाँ इसी तरीके से रेडी कर लिया, 1 2 3, और हमें इसमें दो बना लेना है, तो ये हमारा फ्लावर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा पांच पत्तियाँ बन गया, और ये हमारा फ्लावर रेडी है। ये लास्ट वाला चैन बुना है हमने, अब इसको यहाँ पे हम लास्ट में ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और इस धागे को हम कट कर लेंगे। अब इस धागे को कट कर लेते हैं। अब ये देखिए ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया ऐसे। इस धागे को हम इधर अच्छे तरीके से इसमें फंसा लेंगे, तो ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया इस तरीके से, ये देखिए। इसी तरीके से हमें टोटल 6 फ्लावर रेडी कर लेने हैं, तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टोटल 6 फ्लावर बना के रेडी कर लिए रेड कलर से। अब हमें येलो कलर से फ्लावर बनाना है। अब हम ये येलो कलर के धागे से 6 फ्लावर बना के रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमने येलो कलर का धागा लिया है। अब हमें इसमें एक नॉट बना के 6 चैन बुन लेना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 6 चैन हो गया। अब ये फर्स्ट वाला जो चैन दिख रहा है इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के एक रिंग तैयार कर लेंगे इसकी। तो ये हमने रिंग तैयार कर लिया इसका। अब हमें क्या करना है, इसमें टोटल 12 सिंगल क्रोशिया इस रिंग के अंदर बना लेना है। तो हम इस तरीके से इस धागे को हम इसी में बुन लेंगे ऐसे। यहाँ पे एक चैन बना लेंगे, और इस रिंग के अंदर हम 12 सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे, 1 2 3 4, इसी तरीके से हम 12 कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। तो देखिए ये हमने इस रिंग के अंदर 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने ये चैन लिया था यहाँ हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन चैन बुनना है, 1 2 3, तीन चैन बुनने के बाद ये वाला हम सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे जहाँ हमने ये स्लिप स्टिच लगाया है। उसके अगले वाले में हम इस तरीके से ऐसे ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हम इसमें 6 ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे ऐसे। हमें लास्ट फंदा उतारना नहीं है, ऐसे ही रखना है ऐसे। दो बार धागे को लिया, देखिए एक बार दो बार, और इस तरीके से इसी फंदे के अंदर से हमें 6 बार ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो बना लिया हमने, ये तीसरा,
फिर दो बार धागे को लपेटेंगे, फिर इसी फंदे में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये चौथा, अब ये पांचवा भी बना लेंगे। फिर ये छठा, तो टोटल छः बार हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया ये बना लिया। ये देखिए, ये हमने जो चैन लिया था तीन, और ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया छः, 1 2 3 4 5 6। अब इसे क्या करना है, हमें ये सारे फंदों को एक साथ बंद कर लेना है ऐसे करके। अब यहाँ ऐसे बंद कर लेना है। बंद करने के बाद हमें क्या करना है, तीन चैन लेना है, 1 2 3, तीन चैन बुन लिया। अब यहाँ पे जो अगला वाला ये चैन है, ये वाला, इस चैन पे हमें ये सिंगल क्रोशिया बुन लेना है इस तरीके से। ये चैन हमारा पीछे के साइड चला जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर तीन चैन लेंगे, 1 2 3, और इसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया में, यहाँ पे इसके अगले वाले फंदे में हमें फिर से 6 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। सेम यही पैटर्न अप्लाई करना है हमें, और इसी तरीके से टोटल 6 ये पत्तियाँ बनके इसमें रेडी होगी, तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इसी फंदे में से निकालना है हमें 3 बार, इसी फंदे में से हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे 2 बार धागे को लेना है इस तरीके से, देखिए, तो ये हमने टोटल 6 बार बना लिया। अब ये सारे फंदों को एक साथ ऐसे बंद कर लेंगे, और यहाँ पे तीन चैन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे जो अगला वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके चैन के ऊपर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ चैन लेंगे 3, और फिर यही पैटर्न हम अगले वाले फंदे में रिपीट करेंगे, अगले वाले लूप में ऐसे, फिर 6 बार निकालेंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें टोटल 6 पत्तियाँ बनाना है, 1 2 3, ये तीसरा बना रही हूँ मैं, और इसमें 3 बनाएंगे तो ये हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। देखिए, हमने 6 पत्तियाँ इसमें रेडी कर ली। अब ये लास्ट में जो हमारा ये बचा है, तो ये लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया बचा है, इसके ऊपर हम ये 3 चैन लेके, और यहाँ पे हम ऐसे बंद कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे, तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। और इसी तरीके से टोटल हमें 6 फ्लावर रेडी कर लेने हैं। तो देखिए, इस धागे को हम पीछे के साइड ऐसे स्टिच कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर बनके रेडी हो गया। इसी तरीके से हमें टोटल 6 फ्लावर रेडी कर लेने हैं, तो चलिए रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये 6 फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं, हमें 6 फ्लावर चाहिए। तो देखिए, ये हमने 6 फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें तोरण में लगाने के लिए लटकन बनाना है, तो हम लटकन बना लेते हैं। लटकन बनाने के लिए मैं येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लटकन बनाने के लिए मैं एक माचिस ले रही हूँ, और इसी पे हमें जितना मोटा लटकन बनाना है उतना धागा हम इस पे इस तरीके से लपेट लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो जितना मोटा हमें लटकन बनाना है उतना हम धागे को लपेट लेते हैं। तो देखिए, ये हमने इतना मोटा लपेट लिया। अब हम धागे को कट कर लेंगे। आप इससे मोटा बनाना चाहते हैं, आप उससे मोटा भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये एकदम बीच से इस धागे को ऐसे काट लेना है। तो ये हमने कट कर लिया इसे ऐसे, और दोनों साइड से पकड़े रहेंगे और एक सुई में धागा डाल लेंगे, और इसके बाद सुई धागे की मदद से हम इसको लटकन को रेडी कर लेंगे इस तरीके से। बराबर ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम ऐसे धागे को बांध लेंगे।
तो ये हमने इसी कलर का ये सुई में धागा डाल लिया है। अब इसको यहाँ पे बराबर पकड़ लेंगे धागे को, इधर नीचे के साइड से रख के ऐसे, और इस पे हम अच्छी तरीके से गांठ लगाते हुए बांध लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से ये हमने बांध लिया और ये हमारा लटकन रेडी हो गया। और इसी तरीके से हमें टोटल 6 लटकन रेडी कर लेने हैं। ये देखिए ये हमारा लटकन रेडी हो चुका है और इसी तरीके से हम टोटल 6 लटकन रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 लटकन बना के रेडी कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तोरण में लगाने के लिए हमने 6 लटकन रेडी किए हैं और ये टोटल येलो कलर का 6 फ्लावर, रेड कलर का 6 फ्लावर, और ये हमने ये कलश वाला तोरण बना रहे हैं। तो ये हमने 5 कलश रेडी किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम कलश वाला तोरण बना रहे हैं तो इसके लिए हमने ये कलश रेडी किया हुआ है। तो ये हमने 5 कलश रेडी किया है, 2 स्वास्तिक वाला, और ये कलश का वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और फिर मैं वीडियो के आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 स्वास्तिक वाला बनाया है दोनों साइड लगाने के लिए, और ये बीच में हम एक गणेश जी लगाएंगे। तो हमने ये कलश के ऊपर ही इस गणेश जी को स्टिच कर दिया है, और ये गणेश जी का भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरीके से सेम वही कलश हमें 5 तैयार करना है, और इस तरीके से हमें इसी पे ये बना के गणेश जी हमने इस पे सुई धागे की मदद से स्टिच कर लिया है। ये देखिए, और ये नारियल के ऊपर भी एक स्वास्तिक बनाया हुआ है मैंने, और ये मैंने इसी तरीके से बना के ये श्री गणेशाय नमः लिखा है। ये देखिए, ये श्री लिखा है हमने सुई धागे की मदद से, मोती से, और यहाँ पे हमने ये नमः लिखा है। और ये सारे हम 5 कलश टोटल बनाए हैं, और ये 5 कलश हम तोरण पट्टी में स्टिच करेंगे। दोनों साइड हमारा ये स्वास्तिक रहेगा, और तब श्री और ये गणेशाय और ये नमः हम लगाएंगे। तो चलिए इसे हम स्टिच करके दिखाते हैं कैसे लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से किसी भी मोबाइल के यूट्यूब में जाके, ऐसे यूट्यूब खोला हमने, और यूट्यूब खोल के हम यहाँ पे श्री हैंडक्राफ्ट लिख के सर्च करेंगे, या ये बोल के सर्च करेंगे तो ये श्री हैंडक्राफ्ट आ जाएगा, SHREE श्री और ये हैंडक्राफ्ट। तो ये हमने श्री हैंडक्राफ्ट ऐसे सर्च किया तो यहाँ पे हमारा ये चैनल खुल जाएगा। ये देखिए, ये चैनल खुल गया, और आप हमारे चैनल में अगर टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये जो गणेश जी का फोटो दिख रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैनल ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे इस तरीके से ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल वीडियो होम पे नहीं आता है, आप ये जो वीडियो लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप ये कलश का वीडियो यहाँ है, आप इसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमने अभी तक जितने वीडियो डाले हैं वो सारे वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे, और आप जो बनाना चाहते हैं आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ये सारे वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये गणेश जी का भी वीडियो है, ये गणेश जी तोरण वाला भी, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। और आप तोरण के प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए,
और यहाँ पे हमारा ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए क्रॉथ तोरण पट्टी, इसमें हमने तोरण पट्टी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें हेडबैंड का, ये वॉल हैंगिंग का, और यहाँ पे क्रॉथ तोरण का अलग अलग सारे प्लेलिस्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में भी जाके ये देख सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे आपको प्लेलिस्ट में सारे तोरण पट्टी मिल जाएंगे। आप तोरण का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो इसमें आपको सारे तोरण मिल जाएंगे, आप यहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जो गणेश जी वाला कलश है इसे बिल्कुल सेंटर में, ये जो तोरण पट्टी का बिल्कुल बीच है, ये हम ऐसे बराबर करके माप लेंगे, ऐसे दोनों साइड से ऐसे पकड़ के ऐसे, और ये जो बिल्कुल सेंटर आएगा यहीं पे सेंटर में हम ये वाला कलश बिठाएंगे ऐसे। ये जो हरा वाला पार्ट है तो हमारा ये दो पत्ती और ये कलश ऊपर आएगा इस तरीके से ऐसे, ये नारियल और ये दो पत्ता, और ये दो पत्ता हमारा इस तरीके से नीचे आएगा। हम इतने पे इसे स्टिच करेंगे ऐसे, ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से स्टिच करना है हमें ऐसे, और इसे ऐसे, और इसके बगल में हम ये इस साइड नमः लिखेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। ये दोनों पत्ता हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे ऊपर जाएगा। इधर हम श्री लिखेंगे ऐसे, ये दोनों पत्ता हमारा इस तरीके से ये ज्वाइंट होगा ऐसे, और ये ऊपर जाएगा। और ये जो स्वास्तिक हमने बनाया है कलश के ऊपर, ये हम दोनों साइड लास्ट में लगा लेंगे ऐसे, दोनों साइड एक एक लगाएंगे, एक मैंने इस तरफ लगाया और एक इस तरफ ऐसे, और सेम ऐसे ही हमें ये करके लगाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे हमें पूरे तोरण पट्टी के ऊपर ऐसे बिठा लेना है, और इसे अच्छी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे सेम धागे से। और ये हमारा कलश ऐसे बैठ जाएगा, और ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसको हम यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे करके सुई धागे की मदद से एक एक मोती वाइट वाला डाल के, मैं वाइट मोती डालूँगी, जो हमने ये गनू साहब का कुंडल बनाया है यही वाला मोती इसके ऊपर डाल के स्टिच कर लेंगे हम। तो ये टोटल 6 फ्लावर हमारा यहाँ पे ऐसे लग जाएगा हर कलश के बीच में, और दोनों साइड एक एक, ये दोनों साइड हम एक एक लगा लेंगे, तो ये इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। और ऐसी मोती हम इसी के ऊपर ऐसे डाल के स्टिच करेंगे, यहाँ पे एक एक मोती लगा लेंगे फ्लावर के ऊपर, स्टिच कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो हमने फ्लावर बनाया है इस फ्लावर को हम लगाएंगे। तो इस फ्लावर को लगाने के लिए ये जो हमने लटकन बनाया है इसमें हम ये सुई धागे की मदद से लगाएंगे, तो बिल्कुल सेंटर में हम लटकन के बीच में ये धागा बांध लेंगे ऐसे, और यहाँ हम लगाएंगे कुछ बड़ी साइज की मोतियाँ। ये देखिए मैंने वाइट मोती लिया हुआ है और कुछ लाल मोती लिया है मैंने, ये क्रिस्टल वाली लाल मोती ली हुई है हमने, आप अपनी पसंद से कोई भी लगा सकते हैं। तो लटकन के बाद सबसे पहले हम ये लटकन लगाएंगे, उसके बाद एक लाल वाली मोती डालेंगे, फिर एक वाइट वाली, फिर एक लाल वाली, इस तरीके से। अब ये लगाने के बाद ये मोती हमने लगा लिया, अब ये जो हमने फ्लावर बनाया था येलो कलर वाला, इसको यहाँ से ऐसे सुई पास करके, ये सुई की मदद से ऐसे ये ऐसे लगा लेंगे। ये जो रिंग है इसी रिंग के अंदर हम ऐसे सुई बीचों बीच पास करेंगे, और इस तरीके से हम ऐसे, और फिर यहाँ हम दो मोती डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सारे लटकन तैयार कर लेने हैं। यहाँ भी हमने मोती डाल लिया और यहाँ भी डाल लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो दोनों पत्ता है
इन दोनों पत्तों को एक साथ पकड़ के यहाँ पे हम, ये जब हमारा पूरा तोरण पट्टी के ऊपर स्टिच हो जाएगा ये सारा चीज़, तो लास्ट में हम ये दोनों को ऐसे करके यहाँ पे हम ये स्टिच कर लेंगे यहाँ पे, ये लटकन ऐसे करके। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ बीच में ये लटकन लटकेगा, ये दोनों पत्ता हमारा यहाँ ऐसे हो जाएगा और ये लटकन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा ये तोरण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हमें सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेना है। स्टिच करना बहुत ही आसान है, ये वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं स्टिच करना नहीं बता रही हूँ वीडियो में, क्योंकि स्टिच करना बहुत ही आसान होता है। हमें अच्छे से ये बिठा के और सुई धागे से इस पर स्टिच कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम रेडी कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तोरण पट्टी के ऊपर ये सारे कलर्स, फ्लावर और ये लटकन स्टिच कर लिए हैं और ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसमें ये स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ये मोती डाल के हमने स्टिच किया है, फ्लावर में भी एक एक मोती डाल के हमने ये ऊपर स्टिच कर लिया है इस तरीके से कलर्स के पास, और ये हमने कलर्स यहाँ स्टिच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके की डिजाइन आई है, ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा तोरण है। और ये हमने दिवाली स्पेशल तोरण बनाया है, तो कलरफुल भी है और इसमें ये गणेश जी लगा के बनाए हैं। ये बहुत ही शुभ होता है दरवाजे पे लगाना, तो आप ज़रूर बनाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको ये तोरण डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।